अच्छा, मुझे हफ्ते में कितनी दफा घुमाने ले जाओगे? जितनी दफा भी कहो। और हम हर हफ्ते एक दफा तो सिनेमा जाएंगे। जाएंगे। प्यार करोगे मुझसे? सवाल यही तो सवाल है यूसुफ अजी अहमद, बोलो प्यार करोगे मुझसे या सिर्फ शादी मुझसे करोगे और प्यार जुलेखा से ही करते रहोगे? ये कब का ऐलान? जुलेखा चली गई, उसको याद करना या ना करना से क्या मिलेगा? भूल जाओगे उसे? बोलो, कसम खाओ, वादा करो मुझसे, सामने भी आए तो नजर भर कर भी नहीं देखोगे। नहीं देखूंगा। क्या दिया ना? नहीं देखूंगा। तो तुल गए हो यूसुफ। क्या मतलब? छोड़ो, अब तुम कहाँ समझो। ठीक है, मैं शादी के लिए हाँ कह देती हूँ, वादा करती हूँ तुम्हें बेपनाह मोहब्बत करूंगी, तुम्हें खुश रखने के सारे जतन करूं, बस तुम मेरे लिए काम करो। बोल। ये काम में मेरे साथ बैठोगे ना? बैठूंगा। और वो हम दोनों के सामने बैठेगी। ये लीजिए इनका अपॉइंटमेंट लेटर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाल दो कि मैं एक मर्द हूं, मगर ये मैं मानता हूं कि औरतें मर्दों से ज्यादा हिम्मत वाली होती हैं, अगर वो खुद पर यकीन करने लगें तो। गुड लक। थैंक यू सर। आई आप प्लीज बैठिए, मैं आपका लेटर एडमिन मैनेजर को देकर आती हूँ, आपको उनसे मिलना पड़ेगा। ओके। जी सर। आप प्लीज मेरे साथ आइए। आओ सर, तो तुम्हारा नाम पढ़ते ही फौरन चौंक ही गए और उन्होंने कहा कि मैं फौरन तुम्हें उनके पास ले आऊं। प्लीज ये रूम है। जी थैंक यू। बाद मेरी उससे मुलाकात हुई। मुझे देखते ही जाने लगी, मैंने डांट के रोक लिया। मेरे कहने से बैठ गई, लेकिन बैठते ही बोली, मैं यहां जॉब नहीं करूंगी। क्यों? क्यों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास, फिर भी मैंने तय कर लिया कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। इस तरह का एक फैसला मैंने भी किया था कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, मगर फिर एक वक्त आता है बेटा कि आदमी पीछे मुड़ मुड़ के ही देखता है।
देखो तो पता चलता है कि मलमल की पगड़ियां कुर्बानी देने वालों के खून से लुथड़ी हुई है। मैं तुम पर हक जताने की पोजीशन में नहीं हूं बेटा, वरना तुम्हें डांट कर कहता कि मोहब्बत खुद गर्जों का खेल है, कुर्बानियां देने वाले कोई और काम करें। वो लड़का होती तो मैं उसका नाम वजीह अहमद रखती। शादी हो गई उसकी? नहीं। क्यों? मैंने तो सुना था कि वो मदिया के लिए मान गया है। मदिया नहीं मानी, शादी के लिए उसने इतनी कड़ी शर्त रखी कि वो शर्त पूरी नहीं हो सकती थी। लड़के की पहली मोहब्बत के बारे में पता हो तो लड़कियां जरा इनसिक्योर हो जाती हैं। उसने कोई सिक्योरिटी मांग ली होगी। मदिया कहती है कि उसके निकाह के वक्त जुलेखा उसके बराबर में बैठे तो वो कबूल है कहेगी। अरे ये तो बड़ी अजीब फरमाइश है। क्यों अजीब क्यों है? जब इसने कुर्बानी का फैसला कर ही लिया है तो कुर्बानी छुपके हो या सरेआम, उससे क्या फर्क पड़ता है? और आई प्रॉमिस, अगर वो मदिया की ये फरमाइश पूरी करती है तो ये जानते हुए कि वो एक लड़की है, मैं उसे वजीह अहमद ही पुकारूंगा। मदिया तुम्हें याद है वो टोनी? अरे यूसुफ जिसकी छत से कूद के जुलेखा की छत पे गया था, उसके ऑफिस में नौकरी कर ली उसने। टाई कोट पैंट पहन के घूमता है, चलते हुए दाएं बाएं भी नहीं देखता। क्यों? साहब लोग दाएं बाएं थोड़ी देखते हैं, बल्कि दाएं बाएं वाले लोग साहब को देखते हैं। तुम्हें पता है जुलेखा ने तलाक ले ली? नहीं, मैं शायद गलत कह रहा हूँ, जुलेखा ने तलाक नहीं ली, इमरान मुगीज ने दे दी। मगर ये कैसे हो सकता है? वो तो हाथ धो के उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसने तलाक क्यों दी? ऐसा भी होता है। अब्बा नहीं कहा करते थे कि आदमी बुरा भी हो लेकिन उसके अंदर एक अच्छा आदमी होता है, इसलिए वो हमेशा बुरा नहीं होता। फिर एक दिन आता है कि जब उसके अंदर का अच्छा आदमी बाहर निकल कर बुरे आदमी की गर्दन दबोच लेता है, फिर उसे कोई बुरा नहीं कहता। शायद ऐसा ही हुआ होगा इमरान मुगीज के साथ। जुलेखा के आंसू देखे, उसके दुख और तकलीफ को देखा, इसलिए तड़प गया होगा। और ये तो तय है कि जब आप किसी और की तकलीफ में तड़प जाएं, तो आप बुरे हो ही नहीं सकते। बस उसने तलाक दे दी, टिकट कटाया और चला गया वापस दुबई। तो अब कहाँ है वो जुलेखा? वो शायद घर छोड़ के चली गई अपनी अम्मी और बहन के साथ कहीं और। कहाँ? पता नहीं, यूसुफ को पता होगा। नहीं यार, यूसुफ अब इस बारे में बात भी नहीं करता है। एक बार बात छिड़ी थी लेकिन उसने बात तब्दील कर दी। मदिया अब तुम भी अब मान जाओ। क्या मान जाओ? हाँ कह दो मदिया, मैं चाहता हूँ कि वो तुमसे शादी कर ले, शायद उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए। मान तो गई हूँ मैं, कह दिया मैंने उसे। अरे ये कोई मानना था? इस तरह की शर्त कौन रखता है, कौन मनवाता है? वो पूरी करेगा दाजी, जिम्मेदारी है उसकी। ये किस तरह की जिम्मेदारी है मदिया? पहले तो वो खुद जले, उसके बाद उसको भी जलाए जो इतनी एफर्ट के बाद उसे नहीं मिली है। यही तो बात है दाजी, अगर यूसुफ ने तय कर लिया कि वो मुझसे शादी करेगा और सुलेखा ने भी तय कर लिया कि वो यूसुफ से शादी नहीं करेगी, तो दोनों के दिल क्यों जलेंगे? सुलेखा को तो शादी पे एक मेहमान की तरह आना चाहिए, हंसते खेलते खाना खाए चली जाए, डांस भी करे। पता नहीं उसको डांस आता है या नहीं, लेकिन दोस्त है मेरी, मैं
मैं कहूँ तो करना चाहिए ना। राख में उंगली डालोगी तो जल जाओगी। दलीलें ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम भी नहीं जानते कि कौन जलेगा, मैं या वो। कराची में है ना? मुझे नहीं मालूम। तो फिर मुझसे सुनो, अगर कराची में होगी तो हमारी शादी का सुनकर दम निकल जाएगा उसका, छाती को पीटकर मातम करेगी, दीवारों को लगकर रोएगी। अरे सुनो तो सही, कराची में होगी वो, सुलेखा नाम है उसका। मैं भी देखूं, यूसुफ को छोड़ देगी? मैं यूसुफ से शादी नहीं कर सकती थी, समझे? तो मैंने मोहब्बत में कुर्बानी देने वालों के चेहरे पर जब फतह देखी है, मैंने मोहब्बत में जीत जाने वालों के चेहरे पर भी नहीं देखी। सच पूछे तो खुदा भी यही चाहता था, क्योंकि जब जब मैं यूसुफ के लिए तड़पी हूँ, मैंने कोई मुसीबत देखी है, और जैसे ही इमरान मुगी से मेरा निकाह हो गया, सब ठीक हो गया। ऐसे लगा जैसे यही होना चाहिए था। वो तो इमरान मुगी जल्दबाज निकला, वरना अब तो मुझे भी इस पर तरस आ गया था। अगर वो चाहता तो अब मैं उसके साथ रह सकती थी, फिर कुछ देर यूसुफ को याद रखती और फिर भूल जाती, जैसे अक्सर लड़कियां भूल जाती हैं। तुम्हारी बातों से पता है मुझे क्या लगता है, जैसे मुझे सजा मिल रही है। 25 साल पुरानी गलती आज भी मेरा पीछा कर रही है। माना के बिछड़कर हम दोनों में से कोई मरा नहीं, लेकिन गौर से अगर हम दोनों की शक्लें देखो तो हम दोनों में से कोई जिया भी नहीं। बहुत छोटा था जब उसकी मां मर गई, इतना छोटा कि मुझसे संभाला भी नहीं जाता। उसकी तायाजाद बहन उसे उठाए उठाए फिरती थी, इसीलिए वो उसको अपनी सगी बहन समझता है। उसी ने उसको गुड़िया से प्यार करना सिखाया, वरना वो अपनों को भी अजनबियों की तरह देखा करता था। और तुम्हें पता है, तुम्हारे बाद भी वो बिल्कुल अजनबियों जैसा हो गया, सिर्फ काम की बात करता है, किसी से प्यार नहीं करता, और अगर करता भी है तो जताता नहीं। मैं जानता हूं कि वो मदिया के साथ भी जी लेगा, वो किसी हाल में भी जी लेता है, मगर वो प्यार भी करती है उससे। लेकिन मेरी उम्र में उससे एक बार मिलना जरूर बेटा, और जब उससे मिलो ना तो गौर से उसे देखना, और अगर तुम्हें लगे कि वो जी रहा है तो मेरी कब्र पर लात मारकर कहना कि बजी अहमद तू झूठा था। अंकल प्लीज। बेटा तुम ये शादी मोहब्बत ये सारी बातें छोड़ दो, बस सिर्फ इतना बता दो कि अगर वो तुम्हें शादी पे बुलाएगा तो तुम आओगी, और अगर हिम्मत करके तुम ये कह भी देती हो कि हाँ अंकल मैं आऊंगी, तो ये भी बता दो कि तुम निकाह के वक्त मदिया के साथ उसके बराबर में बैठोगी। मदिया ने
यही शर्त रखी है शादी करने की, वरना वो ये शादी नहीं करेगी। बोलो ना बेटा, कुर्बानी देने का इतना ही शौक है तो लगे हाथों मदिया की ख्वाहिश भी पूरी कर दो। कुर्बानी तो हो ही जाएगी, मगर साथ साथ सवाब भी बहुत मिलेगा। मुश्किल काम है ना ये, जाहिर है वो कमबख्त सामने बैठा होगा, आंखों में आंखें डालकर देखेगा तो कुर्बानी से पहले ही तुम्हारी जान निकल जाएगी। आज मैं पहली बार तुम्हारे इस घर पर आया हूं, और जाते हुए लग रहा है जैसे आखिरी बार आया था। 15-20 कदम चलूंगा तो दरवाजे के पार होऊंगा। खुदा की कसम मैं अब वापस नहीं आऊंगा। इसलिए इरादा बदल दो, या फिर मदिया की शर्त मान लो, नहीं तो मेरी तरह सारी जिंदगी पछताया ही करोगी। सुनिए अंकल, मैं शादी में जरूर आऊंगी और निकाह के वक्त मदिया के बराबर बैठूंगी, और उससे कहिएगा वो चाहे तो आंखों में आंखें डालकर देख ले। मैया दूर गया। अम्मी ये है कल इसके दूसरे पार्ट का टेस्ट है। लाइए मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड़िया इधर आ। बाइक सही करवाओगे? नहीं। तो आओ तो सही, तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो। क्या है? नहीं देखोगी तो देखती की देखती रह जाओगी। अम्मी अभी आए ना। आइए ये देखिए। अरे गाड़ी ऑफिस की तरफ से मिली है। कितनी अच्छी है ये, आई लाइक दिस कलर। वाह भाई, तुम तो क्रेजी भी आ गई गाड़ी देखते। आशिम खान ने लेके चलोगे? कोर्स, अब्बा के साथ चलेंगे शाम को, ठीक है? अब मैं तुम्हें अंदर से दिखाता हूँ। उधर से बैठो, अभी बैठे ना। ये गाजर का हलवा हमेशा मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ, मुझे मालूम है तुम्हें पसंद है, लेकिन तुमने कभी मेरे सामने नहीं खाया, रात को फिर इसे चुरा लिया करते थे। मैं तो अम्मी को रोज कहती थी मेरी तो इतनी खाते नहीं करती आप, मुझे कहती थी कि मैं चोरी करती हूँ हलवा, तब ये मुड़कर मेरी तरफ देखा करता। तुम्हारी जिंदगी में नई नई चीजें आ रही हैं। गिटार गया तो नौकरी मिली, बाइक की जगह गाड़ी आ गई, और मुझे आपकी जगह अम्मी कहने लगे। अच्छा है, पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ जाओ। तुम उससे एक बार फिर मिलो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, जुलेखा से भी ज्यादा। हाथ पकड़कर जिद करोगे तो मान जाएगी। मुझे पता है शुरू शुरू में तुम्हें ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बाद में एडजस्ट कर लोगे। वो है ही इतनी प्यारी कि तुम्हें उसकी आदत हो जाएगी। मोहब्बत भी समझो तो एक आदत ही होती है। अपने टाइप के पेन से लिखना, अपनी मर्जी के बाल बनाना, अपनी पसंद का परफ्यूम लगाना,
बस थोड़ा एडजस्ट कर लो, एक पुरानी आदत भूलकर एक नई आदत डाल लो। बस खा लिया? जी। सॉरी बेटा, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर देना। आप मेरी तरह हैं बिल्कुल। मैं इतनी देर तक आपका बेटा होने से डरता रहा और आप इतनी देर तक मेरी माँ होने से डरती रही। डरिए मत, और माँ को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं होती। मैं कल जाऊंगा उससे मिलने, हाथ पकड़ के जिद करूंगा कि मान जाओ। आई थिंक वो मान जाएगी। अब्बा आ गए। सलाम अब्बा। वालेकुम सलाम। गाड़ी किसकी खड़ी है ये? भाई की, कंपनी की तरफ से मिली है उनको। अच्छा, एक नई बात और बताओ। क्या? भाई ने अम्मी को अम्मी कहना शुरू कर दिया है। अच्छा, वाह वाह भाई वाह। बड़ा गुनाह मिलेगा तुम। नींद भी आए तो सोना मत, जागती रहना। हुआ क्या है? हुआ नहीं है, होने वाला है। मदीहा की शादी होने वाली है उससे, और तुमने बड़े मजे से कह दिया कि निकाह के वक्त तुम मदीहा के बराबर में बैठोगी। तो उस वक्त कबूल है कि आवाज सूर फूकने के बराबर होगी, धज्जियां बिखर जाएंगी तुम्हारी। तो फिर चलना ना मेरे साथ, मेरी हिम्मत भी देख लेना और वहां तमाशा भी। वो तो मैं जाऊंगी और अपनी आंखों से तुम्हारा हाल देखूंगी। तुम्हारे मरने के बाद लोगों को बताया करूंगी कि यूसुफ के मुंह से कबूल है सुनने की गलती की थी इसने। सुनते ही दम निकल गया। नहीं, मुझे सुनकर खुशी होगी, बल्कि लगेगा कि हकदार को उसका हक मिल गया, खुदा भी खुश होगा। मौलवियों की तरह अपने दिल को तसल्ली मत दो, अजाब और सवाब के चक्कर में दीन दुनिया दोनों से जाओगे। कहते हैं खुदा अपने गुनाहगारों को माफ कर देता है, मोहब्बत अपने गुनाहगारों को माफ नहीं करती। मदीहा करती है ना उसे मोहब्बत, मर जाएगी उसके बगैर। मोहब्बत में मरना अच्छा है जुलेखा, तुम्हारी तरह जीना बहुत बुरा है। तो फिर तुम चल रही हो ना साथ? कहाँ ना जाऊंगी। तो फिर ये बताओ कि मैं उस दिन क्या पहनूं? ये तो तुम मुझसे पूछो कि मैं क्या पहनूंगी। तुम्हें तो हम सफेद लट्ठे का कफन पहनाएंगे, और मजे की बात यह है कि तुम्हारी मैयत पर ना मैं रहूंगी ना अम्मी। कोई मरने का सबब पूछेगा तो कहेंगे खुदकुशी की है तुमने। पता है तुम क्या कर रही हो? वही जो वजीह अहमद ने आफिया बतूल के साथ किया था। चलो अब सोकर दिखाओ, एक घंटे बाद फिर चेक करूंगी। दिल ते मेरा कमला होया, जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। तू मेरा है मेरा ये, खुद नू लारे ला बैठा। तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं। सोए नहीं? नहीं। बैठो। हाँ।
मदिया से शादी कर कर खुश रहोगे ना? जी क्यों? बहुत अहम सवाल है ये। जब तुम उससे मोहब्बत नहीं करते तो उसके साथ खुश कैसे रहोगे? जैसे आप खुश रहते हैं। सुलेखा की तलाक हो चुकी है। मुझे मालूम है और ये भी मालूम है कि वो उस घर में नहीं रहती। टोनी ने फोन करके बता दिया था मुझे। फिर मसला क्या है? क्यों जाओगे तुम मदिया के घर बारात लेकर? इसलिए कि वो चाहती है कि मैं मदिया के घर बारात लेके जाऊं। उस दिन उसी ने अपने अब्बा को और हुंडों को दाजी के घर भिजवाया था। वो जबरदस्ती उसको लेके नहीं गए थे। इमरान मुगी से शादी निभाने के लिए सारा ड्रामा रचाया था उसने। बाद में जब याद आएगी तो क्या करोगे? अब ये तो मुझे मालूम नहीं है। जो लोग जिंदगी में आकर चले जाते हैं वो याद तो आते ही है ना। मुझे तो उसके अब्बा भी याद आएंगे, हालांकि मैं उनसे मोहब्बत नहीं करता। मैं उससे मिला था। सुलेखा से? हाँ, बात भी हुई है उससे मेरी। वो अपने फैसले पर अटल है और चाहती है कि तुम्हारी शादी मदिया से हो जाए। तो उससे कहिए ना मदिया की शर्त भी मान, आ जाए शादी वाले दिन और बैठ जाए मदिया के बराबर। आ वो आ जाएगी। उसने वादा किया है कि वो ये शर्त जरूर पूरी करेगी। वो उस दिन आएगी भी और मदिया के साथ बैठेगी। दाजी से बात करो। देर किस बात की अब? आपको आपको चाहिए था कि आप सीधा दाजी के पास जाके तारीख तय करते और फोन करके उसको बताते। फिर भी आज की रात तुम्हारे पास है, अच्छी तरह सोच लो। उसने भी यही कहा था, आज की रात है मेरे पास, अच्छी तरह सोच लो। वो इतने ठस्से से बात करती है कि उसके लिए इस तरह की कोई बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर देखिए मेरी तरफ, क्या मैं ये बात ठस्से से नहीं कह रहा हूं कि मैं मदिया से शादी कर लूंगा? क्या मेरे कहने बात करने से आपको लगता है कि मैं सुबह तक अपना इरादा बदल लूंगा? ठीक है, आप दाजी से जाके बात कीजिए और तारीख तय कीजिए। 29 अप्रैल। 29 अप्रैल ठीक है। क्यों 29 अप्रैल ही क्यों? 29 को साल किराए ना उसकी। आपके मुक्किल कहाँ हैं? वो किसी काम से दुबई गए हुए हैं जनाब अली। ये 5वीं मर्तबा है कि नूर मोहम्मद साहब अदालत में आने से कतरा रहे हैं। आप क्या चाहती हैं? क्या डिफेंडेंट को आप मजीद वक्त देना चाहती हैं? उस आदमी को मैं 25 साल दे चुकी हूँ जज साहिबा, अब देने के लिए मेरे पास एक पल भी नहीं है। ओके देन, कोर्ट आपकी तलाक मंजूर करती है। सच? वो मिली आपको और उसने कहा कि निकाह के वक्त वो मेरे बराबर बैठेगी? हाँ। अच्छा, अब तो कोई मसला नहीं है ना? नहीं, अब कोई मसला नहीं है। आप तारीख तय कर लीजिए। 29 अप्रैल। लेकिन 29 अप्रैल तो जुमा भी नहीं है और ना कोई छुट्टी का दिन, तो फिर 29 अप्रैल क्यों? 29 अप्रैल को जुलेखा की सालगिरह होती है। अच्छा,
बाबा कहा है ना, इसी घर में रहना पड़ेगा। उस घर में तुम्हें कैसे लेके जाऊं, वो घर मेरा है ही नहीं अब, वो बैंक ने कुर्की कर लिया है। ना तो तुम्हारे पास घर है ना तुम्हारी जेब में पैसा। हाँ, ऊंची आवाज में बात करना बनता नहीं है। चलो जाओ यहां से, जब ये चीजें आ जाए ना तुम्हारे पास फिर आना मेरे पास। तमीज से बात कर बुशरा। अच्छा, तुमने तो तमीज में पीएचडी की हुई है ना, मुझे तमीज सिखाओगे? ये दिखा दू तुम्हें, निकलो यहां से, आया है मुझे तमीज सिखाए। जाओ। राजी, मौलवी साहब खुले। आइए आइए, तशरीफ रखिए। तो मौलवी साहब से कहिए निकाह करना। जी बिस्मिल्लाह कीजिए मौलवी साहब। दूल्हा दुल्हन के कवायफ लिखवा दीजिए ताकि शुरू करें। कवायफ बाद में लिखवा लीजिएगा मालूम। निकाह पर जाइए, बहुत भूख लगती है। मौलवी साहब पहले शरई काम यानी निकाह कर लें, उसके बाद हम कानूनी काम कर लें। बिस्मिल्लाह कीजिए। जैसे आपकी मर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुल्हन और उसके वालिद का नाम? ये अली दुख्तर इब्रार अहमद। दुल्हन और उसके वालिद का नाम? यूसुफ वजी अहमद, वल्द वजी अहमद। हक मेहर। राजी क्या हक मेहर होगा? हक मेहर तो शरई होगा। शरई होगा मौलाना। कलमा शरीफ पढ़ लें। जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप भी पढ़ लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं तीन दफा आपसे पूछूंगा। मदी अली दुख्तर इब्रार अहमद, आपको यूसुफ वजी अहमद के निकाह में दिया जाता है, आपको कबूल है तो आप जवाब में कहेंगी मुझे कबूल। मुसम्मात मदी अली दुख्तर इब्रार अहमद, आपको बाइवज शरई हक मेहर के मुसम्मी यूसुफ वजी अहमद वल वजी अहमद के निकाह में दिया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है?
कबूल है। यूसुफ वजी अहमद, मैं आपसे 3 दफ़ा पूछूंगा, आप भी जवाब में कहेंगे कि आपको कबूल है। उस समय यूसुफ वजी अहमद वल वजी अहमद मुसम्मत मदिया अली दुख्तर इब्रार अहमद बाइवज हक मेर शरई आपके निकाह में दिया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? गिन गिन रात सजाई पर तेरी कोई खबर न आई, दिल डरदा होके परदा मोड़ आ जा कर ले करदा मेरा रोम रोम खाली है मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोले दिल नु समझ ला तू मेरा नहीं। हेलो, हाँ कहाँ हूँ मैं? तुम हॉस्पिटल में हो, कुर्बानी देने से पहले ही तुम्हारा दम निकल गया, मरते मरते बची हो तुम। कहाँ है सुलेखा? सुलेखा नहीं था बेटा। निकाह शुरू करें बेटा, आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, मुसम्मत जुलेखा नूर मोहम्मद दुख्तर नूर मोहम्मद आपको बाइवज हक मेर शरई यूसुफ वजी अहमद वल वजी अहमद के निकाह में दिया जाता है, क्या आपको यह निकाह कबूल है? बोलो जुलेखा, कबूल है बोलो। मैं यूसुफ के सर की कसम। बोलो बेटा, कबूल है? तू मिला है तो मिल गया है खुशबू का जहां, ख्वाब भी हंसने लगे हैं पलकों के दरमियां। कबूल है। कतरा हूँ मैं दरिया है तू, तेरे साथ मैं बहता फिरूं, मुझ में मेरा कुछ है।